Good evening, everyone. My name is Jyoti Shukla, and I am here to present the Public Administration Lecture 1. और जैसा कि हम लोगों ने decide किया था कि हम लोग अपना Public Administration का जो course है, जो syllabus है, वो 17th of December से start करेंगे. So today is 17th December, and we are providing the first lecture. तो आज से हम ये course start कर रहे हैं. And we will try providing you these lectures and these videos mostly on a regular basis. पर हो सकता है कि किसी दिन आपको ये वीडियो ना मिले तो आपको नेक्स्ट ईयर वो वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा. और अभी हम कोशिश करेंगे कि इस तरीके से हर एक टॉपिक को उठाएं कि वो सिलेबस के अकॉर्डिंगली चले और धीरे धीरे करके हमारा जो पूरा सिलेबस है वो कवर हो जाए. तो अभी जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारा पेपर वन से, जो यूनिट वन में हमारा आता है, नेचर स्कोप एंड एवोल्यूशन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, उसको हम लोग कवर करेंगे. तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा it will be the nature, meaning and scope of the public administration. फिर है कि public administration as a discipline, और तीसरा है politics और administration dichotomy. ये तीनों चीज़ें जो हैं वो आज हम discuss करेंगे और इनको explain करने की कोशिश करेंगे. तो see कि जब UPPSC या फिर UPSC में public administration का paper आता है तो हम सबको पता है कि वो paper 1 और paper 2 में divided होता है. तो पेपर वन में, जैसे कि हम अपने इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में पहले भी बता सक चुके हैं कि उसमें कौन कौन से यूनिट्स हैं तो उस यूनिट के अकॉर्डिंगली है, ये हमारा फर्स्ट यूनिट में आता है, विच इज़ लाइक द इंट्रोडक्शन ऑफ द पबैड. तो इसका जो है यहाँ पे, ये जो फर्स्ट वाला हम जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जब हम यूपी पीसीएस की बात करते हैं तो यूपी पीसीएस में इस पे जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है. लाइक what do you understand by the nature and the meaning of the public administration, उसका क्या रोल है, या फिर आज के ज़माने में public administration को as a discipline कैसे माना जाता है, या फिर वुड्रो विल्सन, जिनका अभी discussion होगा, तो वुड्रो विल्सन का उनका क्या योगदान था, क्या significance है उनका पबैड में, और politics और administration को हम किस तरीके से अलग अलग रख सकते हैं या फिर नहीं. तो इन सारे क्वेश्चंस पर, मतलब इन सारे टॉपिक्स पर डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड द जिस्ट ऑफ द टॉपिक और उसके हिसाब से इट विल हेल्प यू इन राइटिंग योर आंसर्स. और सेकेंडली, जब भी आप आंसर्स लिखें तो इस बात पे हमेशा फोकस करें कि जो आपकी लैंग्वेज हो आंसर राइटिंग की, इट शुड बी वेरी सिंपल. और अब उसमें वर्ड्स लिमिटेशंस भी आ गई हैं तो आपको विद इन वर्ड लिमिट आपको अपना आंसर उतना ही लिखना है. इट शुड बी टू द टॉपिक विद इन द वर्ड लिमिट, प्लस इट शुड बी इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज. ओके, तो चलिए आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं. सो व्हेन वी अंडरस्टैंड बाय द नेचर, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो अगर हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, सो दिस वर्ड इज़ मेड फ्रॉम द टू डिफरेंट वर्ड्स विच इज़ कॉल्ड द पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन. तो पब्लिक का मतलब होता है जो हमारे नॉर्मल पब्लिक है, जो लोग हैं, जो सोसाइटी में रहते हैं. और एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब हुआ कि जो हमारा, जिस तरीके से लोगों को रूल किया जाता है, जो एडमिनिस्ट्रेशन का तरीका है, जो एडमिनिस्ट्रिंग फंक्शंस हैं उनके हिसाब से हम करते हैं. तो जिस तरीके से पब्लिक को मेंटेन करने के लिए, उसको एडमिनिस्टर करने के लिए जिन तरीकों का इस्तेमाल होता है, जिस तरीके से हम उन फंक्शंस को करते हैं, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं मोटा मोटा, ठीक है. तो इफ़ वी ट्राई टू गेट द कॉन्क्रीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कि मोटा मोटा क्या होता है उसकी अंडरस्टैंडिंग, तो हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ जनरली व्हाट गवर्नमेंट एक्टिविटी इज़ गोइंग ऑन, ठीक है, कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो पब्लिक के लिए जो जो कर रही है. इट इज़ सर्विंग पीपल, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ भी हुआ है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज इज पब्लिक सर्विंग एक्टिविटी. तो पब्लिक को सर्व करने के लिए जो जो भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें गवर्नमेंट की तरफ से, उसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इंक्लूड करते हैं. जैसे कि बहुत सारे ऐसे स्कूल्स हैं जो कि गवर्नमेंट रन होते हैं, जिसको गवर्नमेंट पूरी तरीके से फंक्शन करती है, ठीक है. फिर है कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पे लोग एडमिट होते हैं. जो पुलिस है, लॉ एंड ऑर्डर है, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट संभालती है. इट इज़ टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज. देन इफ़ यू टॉक अबाउट द डिफेंस, स्पेस,
इरिगेशन डिपार्टमेंट, इलेक्ट्रिसिटी, तो ये सारा का सारा हमारी कंट्री में कौन देखता है? ये सारा का सारा हमारी कंट्री में देखा जाता है गवर्नमेंट के थ्रू, ठीक है? तो जो गवर्नमेंट है इट टेक्स केयर ऑफ ऑल दीज एक्टिविटीज, इरिगेशन हुआ, इलेक्ट्रिसिटी हुआ, डिफेंस हुआ, पुलिस हुआ, लॉ एंड ऑर्डर हुआ एंड एवरीथिंग, ठीक है? तो जब ऐसी बहुत सारी इन्यूमरेबल एक्टिविटीज़ हैं जो कि गवर्नमेंट जिसका ध्यान रखती है, अब बात आती है कि क्या हर नेशन में हर गवर्नमेंट इन सारी एक्टिविटीज़ को देखती है? तो जब हम बात करते हैं डेवलपिंग नेशंस की, डेवलपिंग नेशंस वो हैं जो अभी भी डेवलप कर रहे हैं, जो अभी पूरी तरीके से डेवलप्ड हुए नहीं हैं, जैसे कि इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, कीनिया, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील एसेट्रा, ये जो कंट्रीज़ हैं ये हमारे किस में आते हैं? डेवलपिंग नेशंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, वो अभी भी उतनी डेवलप नहीं हुई है कि हम अपने देश के मैक्सिमम नंबर ऑफ लोगों को या फिर सबको जो बेसिक कम्युनिटीज़ हैं, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, वो हम प्रोवाइड करा पाए हैं, ठीक है? सो वी आर नॉट डेवलप्ड कम्प्लीटली। अगर हम डेवलप नेशंस की बात करते हैं तो डेवलप नेशंस में हमारे आता है USA, कैनेडा, जर्मनी, यूरोपियन कंट्रीज़ एंड रशिया ऑल्सो, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो कंट्रीज़ हैं हमारी, ये डेवलप्ड नेशंस में आती हैं। क्यों? क्योंकि जो इनकी इकनॉमी है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमसे काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, और वहाँ के मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल हैं, जो पब्लिक हैं, उनके पास बेसिक कम्युनिटीज़ हैं ही हैं, ठीक है? तो वो डेवलप्ड नेशंस हैं। तो जब डेवलपिंग नेशंस की बात आती है तो डेवलपिंग नेशंस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हेल्थ को लेकर के, एजुकेशन को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के, रोड है, पीने का पानी है, इलेक्ट्रिसिटी है, इन सब को लेकर के। तो ये सारी जो बेसिक कम्युनिटीज़ होती हैं वो जनरली एक डेवलपिंग नेशन की पब्लिक के पास नहीं होती हैं, मेजॉरिटी ऑफ द पब्लिक के पास अभी भी वो नहीं होती हैं, दे आर डिवॉइड ऑफ सच काइंड ऑफ एक्टिविटीज़। तो इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ वेलफेयर स्टेट, कि एक वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए, लोगों की वेलफेयर के लिए काम करने के लिए, जो डेवलपिंग नेशंस हैं उसमें जो गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, इट प्लेज़ अ वेरी वाइटल रोल, ठीक है? तो गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ वहाँ पे ज़्यादा होती हैं। क्यों? क्योंकि अगर सारा का सारा ये काम हमने प्राइवेट प्लेयर्स को दे दिया, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस को दे दिया, तो जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका जो मेन मोटिव होता है वो होता है प्रॉफिट एनहांसमेंट, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। दे वर्क ऑन दिस प्रिंसिपल। जैसे कि कोई कंपनी है, सी फॉर सपोज़ कि दे इज़ अ कंपनी ऑफ XYZ और वो अपने शूज़ बनाती हैं, ठीक है? तो अगर वो अपने शूज़ बना रही हैं तो उनका मोटो यही होगा कि हमारे जो शूज़ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा बिकें, जिसकी वजह से हमारा ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो। और इसकी वजह से ये भी हो सकता है कि एक ऐसी यूनिट जहाँ पे उनको ज़्यादा प्रॉफिट मिल रहा है वहाँ पे वो जो वर्कर्स हैं उनको ज़्यादा हायर करें, और यहाँ पे और एक और चीज़ हो सकती है कि मानो अगर उनके शूज़ की जो बिक्री है उसकी डिमांड एकदम से बहुत ज़्यादा आ गई तो वो उसकी क्वालिटी को थोड़ा सा इन्फीरियर भी कर सकते हैं, ठीक है? क्यों? क्योंकि वहाँ पे उनका जो मोटिव है वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज़ करना है, कि किस तरह से हम मिनिमम इनपुट लगा करके अपना मैक्सिमम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो यहाँ पे होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं कुछ बेसिक ज़रूरतों की, बेसिक कम्युनिटीज़ की, ठीक है, जिसके बिना जनता का काम नहीं चलेगा, वहाँ की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पे गवर्नमेंट को एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ता है, क्योंकि वाटर सप्लाई है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है, हेल्थ है, एजुकेशन है, ये ऐसी सर्विसेज हैं कि जो हमारी कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दीज आर बेसिक नीड्स विच कैन नॉट बी कॉम्प्रोमाइज बाय दी प्राइवेट प्लेयर्स। तो यहाँ पे हमारी गवर्नमेंट जो है वो ज़्यादा एक्टिव होती है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड अ वेलफेयर स्टेट, ठीक है? सो दीज आर द बेसिक गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ विच आर टेकन केयर बाय दी गवर्नमेंट, स्पेशली इन द डेवलपिंग नेशंस। वेयर एज इन द डेवलप्ड कंट्रीज सच एज अमेरिका एंड द कैनेडा, बहुत सारे जो सर्विसेज हैं दे आर टेकन केयर बाय दी प्राइवेट एंटरप्राइजेस। जैसे कि वहाँ पे जो आपका वो जो उनकी आर्म फोर्सेस हैं वो भी उनकी प्राइवेटाइज्ड हैं, जो हेल्थ इम्यूनिटीज़ हैं वो भी प्राइवेटाइज्ड हैं, उनका इंश्योरेंस वगैरह होता है विच इज़ टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, विच इज़ इन अनदर स्टोरी, बट स्टिल मोस्ट ऑफ द थिंग्स दे आर टेकन केयर बाय द प्राइवेट प्लेयर्स एंड नॉट द गवर्नमेंट। वेयर एज इन द डेवलपिंग नेशंस मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर टेकन केयर बाय द गवर्नमेंट, ओके? तो यहाँ पे हमारी बहुत सारी जो इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल
और प्रोडक्टिव प्रॉब्लम्स हैं उनको टेक केयर करने के लिए हमारी गवर्नमेंट इन सारी एक्टिविटीज़ को करती है जिसको हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं. व्हाई? बिकॉज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ अ पब्लिक सर्विंग एक्टिविटी और ये सारी की सारी पब्लिक सर्विसेज हैं जो गवर्नमेंट के थ्रू लोगों तक पहुँचती हैं. ठीक है, अब एक ऐसा थियोरिटिकल अगर हम डेफिनेशन की बात करें, व्हाट इज़ अ थियोरिटिकल डेफिनेशन, तो हम कहेंगे इट इज़ अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्शन कंसर्न्ड विद द परफॉर्मेंस ऑफ दीज एक्टिविटीज़. कि इट्स अ सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि किस तरह से चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया जा रहा है और उनके जो एक्शंस हैं उनके परफॉर्मेंस से वो एक्टिविटीज़ किस तरीके से फुलफिल हो रही हैं. ठीक है, उनका प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन करना, वो एक्टिविटीज़ का उनका ऑन टाइमली होना, प्लस उन सर्विसेज का पब्लिक तक टाइमली पहुंचना, पब्लिक को उससे क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो रहे हैं, क्या हम अपना काम पूरी तरीके से कर पा रहे हैं या नहीं, इन सारी चीज़ों को देखना, इवेल्युएट करना, वो सब कुछ इस पार्ट में आता है. एवरीथिंग इज़ इंक्लूडेड इन दिस सेक्शन. Okay, so in a sense, it is an instrument which is used for realization of the goals of the government. Fine. So now, if we talk about ki majorly kya hota hai, so it is the action part of the government for the fulfillment of the objectives of the political decision makers. Ki jo humare political decision makers hain, unhone kuch objectives set kiye hote hain. Theek hai? तो उन ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए इट इज़ द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, दैट हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू डू दीज थिंग्स, हाउ इट इज़ गोइंग टू एक्टिवेट सच थिंग्स, दैट प्रोसेस ऑफ परफॉर्मिंग इट इंक्लूड्स द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट. जैसे कि हमारी कंट्री में देर इज़ प्लानिंग कमीशन, अर्लियर देर वॉज प्लानिंग कमीशन, नाउ देर इज़ नीति आयोग. सो वेन देर वॉज अ प्लानिंग कमीशन, तो प्लानिंग कमीशन का जो मेजर पार्ट था, जो उसका मेजर मोटो था, वो यही था कि वो 5 साल को अपना टारगेट करते थे. 5 साल में वो डिफरेंट प्लान्स को फॉर्मुलेट करते थे. दे यूज टू डिफाइन अ टारगेट और अपना एक प्लान बनाते थे, सो दैट थ्रू दैट प्लान दे आर गोइंग टू फुलफिल दोज टारगेट्स विद इन अ लिमिटेड टाइम फ्रेम. एंड आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर द पीरियड ऑफ द 5 ईयर्स, दे ट्राई टू इवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस कि जो कुछ भी हमने सोचा था, जिस तरीके से हमने अपने प्लान को फॉर्मुलेट किया था, जो एक्शंस हमने देखे थे, जो स्टेप्स ऑफ प्रोसीजर्स हमने डिसाइड किए थे, वेदर वी आर एबल टू फुलफिल इट और नॉट. राइट, सो दैट एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट इट वाज इवेल्युएटेड आफ्टर द एंड ऑफ द 5 ईयर्स एंड दे वॉन्टेड टू नो दैट वेदर द थिंग्स विच दे हैव डिसाइडेड टू डू, वेदर दे वर फुलफिल, दे वर कम्प्लीटली, I mean, whether they were completely good with that or not. And अब हमारे पास जो है वो नीति आयोग है. So right now, in the place of the planning commission, नीति आयोग is working, जिसका अलग plan है, जो 8 साल का, 20 years का vision program लेके आता है, फिर उनका 8 साल का अपना एक है और 3 साल का उनका अपना strategic plan है. So टाइम फ्रेम को थोड़ा सा डिवाइड किया गया है, थोड़े से एक्शंस में बदलाव लेकर के आए हैं, लेकिन बेसिक जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करना है. ठीक है, वो ऑब्जेक्टिव्स जो हमारे पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स बनाते हैं, किसी के लिए जो है वो डिफेंस में जो जीडीपी का जो ज़्यादा पार्ट है वो डिफेंस को मिलना चाहिए, किसी का ये ऑब्जेक्टिव होता है, किसी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें गरीबी पूरी तरीके से हटानी है, किसी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा लेके आनी है, तो किसी का ये ऑब्जेक्टिव है कि हमें पब्लिक में जो है कैश फ्लो को ज़्यादा बढ़ाना है, कि हम अगर उन्हें फ्री ऑफ फंड, मतलब वर्क फॉर फूड प्रोग्राम जिस तरीके से होता है कि हम उन्हें काम के बदले अनाज देंगे या फिर काम के बदले हम उन्हें पैसे देंगे, जैसे कि एम जी नरेगा में होता है, हम इस तरीके से कर सकते हैं. या फिर दूसरा कंस्ट्रक्टिव तरीका अपनाया जा सकता है कि हम इतनी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले, और जब लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगा तो लोगों के पास काम होगा जिसकी वजह से उनके परिवार का खर्चा चलेगा, राधा दैन एक छोटा सा काम करना और जिसके बदले में उनके पास तुरंत पैसा आ जाएगा, तो वो पैसा लेकर के इंसान सबसे पहले मार्केट में जाता है, उसके पास डिस्पोजेबल मनी हो जाता है, व्हेन ही गोज टू द मार्केट एंड स्पेंड दैट मनी, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है. इट्स अ डिफरेंट पार्ट ऑफ द स्टोरी, मैं थोड़ा सा इकोनॉमी से भी रिलेटेड है ये, कि किस तरीके से अगर हम कैश फ्लो बहुत ज़्यादा अपने मार्केट में, सोसाइटी में बढ़ा देते हैं, तो वो कैश फ्लो जब हमारा मार्केट में जाता है, क्योंकि चीज़ें तो उतनी ही हैं, डिमांड एंड सप्लाई में गड़बड़ हुई, तो उस डिमांड एंड सप्लाई में जो फ्लक्चुएशन हुआ उसकी वजह से हमारा इन्फ्लेशन भी बढ़ता है,
तो ऑन द अदर हैंड अगर हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी ज़्यादा बढ़ाते हैं, जैसे कि हम कहीं पे डैम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं या फिर टेली कम्युनिकेशन कंपनी बन रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट उनको मिल रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट का वर्क हो रहा है और डेवलपमेंट के वर्क के बदले में उनको पैसा मिल रहा है, राइट? सो इन दिस केस वी आर स्ट्रेंथनिंग अवर इकोनॉमी एंड स्ट्रेंथनिंग अवर कंट्री. तो एनीवेज कहने का मतलब ये था कि डिफरेंट पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स दे हैव डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए हम जो पाथ अपनाते हैं उसको जिस तरीके से एडमिनिस्टर करते हैं, सो दैट एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बेसिकली इज द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. अब आती है बात कि क्या हमारे हिस्ट्री में पहले के ज़माने पर ये होता था या नहीं होता था. तो अगर हम इसकी बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट काम करती है और जिस तरीके से गवर्नमेंट हमारे कामों को पूरा करती है, अपने कामों को पूरा करती है, उसको हम एक बेसिक लैंग्वेज में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं. तो हाँ, वो पहले के टाइम पे भी था, बिकॉज पहले के टाइम पे भी गवर्नमेंट होती थी. तब अगर राजा होता था, एक रॉयल गवर्नमेंट होती थी और वो ध्यान देती थी, तो तब के टाइम पे भी होता था. ऑल्दो दैट टर्म वॉज नॉट सो वोकल अबाउट इट, कि ये जो एज पर एक टर्म है जो भी हमारे 18th सेंचुरी से आया है, ये टर्म नहीं था, लेकिन तब भी जो इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस वगैरह हैं वो हमारे हिस्ट्री में ऑलरेडी प्रेवलेंट थे. जैसे कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, और इसका जो इनपुट्स हैं और जो इसके कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं वो भी हमारे सिलेबस में हैं, वो भी हम लेटर ऑन पढ़ेंगे इन द पार्ट टू द पेपर टू. और कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, जो रामायण है, महाभारत है, उसमें भी हमको पता चलता है कि उस टाइम का जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था वो किस तरीके का था. जैसे कि कौटिल्य के अर्थशास्त्र में उन्होंने डिफरेंट कमिटीज़ में डिवाइड किया हुआ था काफ़ी सारी चीज़ों को, कि हर एक सोसाइटी को देखने के लिए वहाँ पे 6 कमिटीज़ होती थी, 6 कमिटीज़ में 6-6 मेंबर्स होते थे, वो इस डिपार्टमेंट को देखते थे, वो दूसरे डिपार्टमेंट को देखते थे, एसेट्रा एसेट्रा, ठीक है. फिर जब रामायण की बात आती है, तो रामायण में व्हेन दे कॉल अबाउट द राम राज्य, तो इट हैज़ नथिंग टू डू विद द रिलीजन, ओके. इट वॉज अ वेरी वेरी पॉलिटिकल कंसेप्ट एंड अ वेरी वेरी एडमिनिस्ट्रेटिव कंसेप्ट, कि व्हेन दे टॉक अबाउट द राम राज्य, सो व्हाट दे एक्चुअली मेंट अबाउट इट, तो उसका मतलब ये था कि अ परफेक्ट स्टेट जहाँ पे हर एक जनता की ज़रूरतों को पूरा किया जाता है, उनकी नीड्स को ध्यान में रखा जाता है, एंड एवरी पर्सनस कंसर्न इज हर्ड, राइट, और हर आदमी को इक्वल समझा जाता है. दैट काइंड ऑफ अ स्टेट, दैट काइंड ऑफ अ पॉलिटिकल सिस्टम, इट वॉज रिफर्ड एज अ रामराज इन द रामायण. सो इट वॉज समहाउ प्रोजेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो उस वक्त प्रेवलेंट था. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द महाभारत ऑल्सो, तो उसमें भी हमने देखा था, मतलब उसमें भी ऐसा लिखा है कि डिफरेंट जो स्टेट्स हैं उस टाइप के, कि यहाँ पे ये अंग प्रदेश है, वो विदिश अंग प्रदेश है, और उनका पाटलिपुत्र है और मगध है, अलग अलग जो भी उनके स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स के कौन कौन से हेड होते थे और किस तरीके का पॉलिटिकल सिस्टम तब होता था, किस तरीके से वो लोग अपनी टेरिटरी को डिफाइन करते थे और अपने अपने स्टेट को किस तरीके से रूल करते थे. तो एवरी राजा, एवरी मोनार्क, इट हैड अ डिफरेंट सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग पीपल, और एक राज्य दूसरे राज्य से कुछ टर्म्स में अलग होता था, ठीक है. तो इससे हमें एक मोटा मोटा अंदाज़ा मिलता है कि उस टाइम का जो हमारा पॉलिटिकल सिस्टम था, जो पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, हाउ डिड इट वर्क. देन वी कम अबाउट दी वेस्टर्न थिंकर्स, ठीक है, कि वेस्टर्न जो कंट्रीज हैं, जो वेस्टर्न वर्ल्ड है हमारा, उसमें क्या इस तरीके का हमें कोई कॉन्ट्रीब्यूशन मिलता है. तो हाँ, इफ़ यू टॉक अबाउट द एरिस्टोटल्स पॉलिटिक्स जो उन्होंने लिखी थी, और मैकैलवी की जो प्रिंस लिखी गई थी, द प्रिंस, उसमें भी हमें इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस मिलते हैं कि किस तरीके से जो उनका स्टेट था इन द वेस्टर्न कंट्रीज, इट यूज़ टू वर्क इन द एशियंट पास्ट. उनकी बुक्स के थ्रू हमें पता चलता है कि जो उस टाइम का जो पॉलिटिकल सिस्टम था, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ का पॉलिटिकल सिस्टम था, हाउ डिड इट एक्चुअली वर्क. ओके, सो नाउ इफ यू टॉक अबाउट द ओरिजिन ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन द न्यू वर्ल्ड, ठीक है, राइट फ्रॉम द 18th सेंचुरी, कि 18th सेंचुरी से ऑल ऑफ अ सडन हाउ दिस टर्म केम इन टू बींग. सो फ्रॉम द एडवेंट ऑफ द 18th सेंचुरी, द जर्मन स्कॉलर्स, दे बिगैन स्टडिंग इट एज अ सब्जेक्ट एंड दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस एस्पेक्ट. तो अगर हम बात करते हैं इसकी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, दैट हाउ वॉज इट, आई मीन हाउ इट बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर द जर्मन स्कॉलर्स और द वेस्टर्न स्कॉलर्स. तो दे वर वेरी मच इंटरेस्टेड, दे ऑल ऑफ अ सडन बिकेम वेरी मच इंटरेस्टेड इन दिस ब्रांच ऑफ द स्टडी. नाउ
why? Why they became interested in this branch of the study? So public administration, as I told you, it is nothing but a system how the political administrative things work. Right. So us time pe 18th century mein jo unki government thi wo bahut dhang se perform nahi kar rahi thi. There was rampant corruption, efficiency nahi thi, log dhang se kaam nahi karte the, employment opportunities nahi thi, kuch bhi nahi thi. To isliye is branch of study mein un logon ne usko bahut zyada research kiya, us par padhai ki aur fir wo apni apni theories ke sath mein aaye ki kis tarike se agar hum in cheezon mein badlav lekar ke aayenge to hamara jo system hai wo aur zyada efficient ho jayega aur jo hamari public hai usko और ज़्यादा अच्छे returns मिलेंगे उसके लिए और अच्छे से काम हो पाएगा so that our society and the country on the whole it can prosper. Okay, so जब वहाँ पे studies हुई in the western country, in the western world, when the German scholars they began studying, they came up with two models. The one was called the Anglo-American model and the other one called the French model. So the Anglo-American model जो था it was based on the self-government in the local communities, decentralization, more people's participation, dispersion of authority, white citizen participation, responsibility of the officials towards the private citizens, etc., etc. कहने का मतलब ये है कि जैसे कि हम आज का टाइम देखते हैं डिसेंट्रलाइजेशन का या फिर डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, जिसमें कि हमारा जो पंचायती राज है इट इज़ अ लिविंग एग्जांपल ऑफ द डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन. तो इसमें हम क्या करते हैं कि हम जितनी भी पावर्स हैं और मतलब अपने पॉलिसीज़ को बनाने की, उनको फॉर्मुलेट करने की, फंक्शंस करने की, वो हम इनडायरेक्टली लोगों को दे देते हैं सो दैट पीपल्स पार्टिसिपेशन आर टू मच इन गवर्निंग देयर एंड गवर्निंग देयर सोसाइटी. कि जब हम पंचायती राज की बात करते हैं तो हमारा जो थ्री टायर पंचायती राज सिस्टम है जिसमें हमारे विलेज पंचायत वगैरह वो हैं, तो उसको इस तरीके से फॉर्म किया जाता है कि लोगों का पार्टिसिपेशन अपनी पॉलिसीज़ को फॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हो और वो अपने तरीके से काम कर सके. एंड ऑन द अदर हैंड गवर्नमेंट जो है उनको जो भी नेसेसरी फंड होता है वो प्रोवाइड कराती है उनके डेवलपमेंट के लिए, उनके एरिया के डेवलपमेंट के लिए. ठीक है, तो ये था हमारा एंग्लो अमेरिकन मॉडल. द एंग्लो अमेरिकन मॉडल में जैसे कि हमने पहले भी कहा है कि इसमें जो डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी है, यानी कि अथॉरिटी सिर्फ गवर्नमेंट के पास नहीं है, अथॉरिटी ट्रिपल डाउन होकर के नीचे नीचे सेक्टर्स में भी आती है और लोगों का ज़्यादा पार्टिसिपेशन होता है उसमें, और जो ऑफिशियल्स हैं जो काम कर रहे हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, वो ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबल होते हैं नॉर्मल सिटीजन्स के लिए. ठीक है, देन वी हैव द अदर मॉडल विच इज़ द फ्रेंच मॉडल. और जो द फ्रेंच मॉडल है इट वॉज बेसिकली बेस्ड ऑन द नेपोलियन मॉडल, द नेपोलियन थिंकिंग. तो ये था, इट वॉज इन द कम्प्लीट कंट्रास्ट विद द एंग्लो अमेरिकन मॉडल. कि एक तरफ था एंग्लो अमेरिकन मॉडल जो कि कम्प्लीट आपका डिसेंट्रलाइजेशन की बात करता था, और जबकि जो फ्रेंच मॉडल है इट टोटली टॉक्ड अबाउट द सेंट्रलाइजेशन, अ सेंट्रलाइज सिस्टम. कि किस तरीके से जो हमारा ये पूरा जो सिस्टम है, हमारा जो वर्किंग है, उसको हम एक तरीके से सेंट्रलाइज कर दें सिर्फ एक इंसान के हाथ में, या फिर एक सम बॉडी ऑफ ऑफिशियल्स, बॉडी ऑफ पॉलिटिशियंस के हाथ में वो सारी की सारी पावर आए और वो डिसाइड करें. उसमें पीपल्स पार्टिसिपेशन ज़्यादा नहीं होगा और जो उनके ऑफिशियल्स होंगे वो भी डायरेक्ट पीपल मतलब डायरेक्ट लोगों के लिए आंसरेबल नहीं होंगे, बल्कि दे विल बी आंसरेबल टू दी रिस्पेक्टिव कोर्ट्स. ओके, तो वो ज़्यादा के ज़्यादा से ज़्यादा वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर पे होगा और जो डोमिनेंस ऑफ द नेशनल ओवर द लोकल अथॉरिटीज़ वहाँ पे होगा. और जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि उसमें जो ऑफिशियल्स हैं हाँ उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेपरेट कोर्ट ऑफ जस्टिस को होगी, नॉर्मल पीपल को नहीं होगी. तो ये दो अप्रोचेस सामने निकल के आई थी, एक था एंग्लो अमेरिकन मॉडल, दूसरा था हमारा द फ्रेंच मॉडल. और ये दोनों मॉडल्स एक दूसरे से बहुत डिफरेंट थे. तो डिफरेंट डिफरेंट थिंकर्स जो हैं वो इस दोनों मॉडल के साथ आए. कि किसी ने कहा कि जो एंग्लो अमेरिकन मॉडल है ये ज़्यादा अच्छे से वर्क करेगा, किसी ने कहा कि नहीं, अगर हम बहुत ज़्यादा पीपल्स पार्टिसिपेशन कर देंगे तो लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं हैं, उनको मालूम नहीं है, इसलिए इट विल बी अ काइंड ऑफ एनार्की इन द सोसाइटी, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा, डिस्प्यूट्स बढ़ जाएगा, ये प्रॉपर वर्क नहीं करेगा. तो उन लोगों का कहना था कि जो फ्रेंच मॉडल है वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, बिकॉज जो नॉलेजेबल लोग हैं, जो ज़्यादा एक्सपर्ट्स हैं अपनी फील्ड के, जो वो सब कुछ डिसाइड करेंगे फॉर द गुड ऑफ ऑल, तो इट विल रिजल्ट इनटू अ बेटर, इट विल रिजल्ट इनटू अ बेटर आउटकम. ओके, फिर है कि विद द ग्रोइंग इंपॉर्टेंस ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक फंक्शंस इट बिकेम कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड. फिर था कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे जो गवर्नमेंट के पार्टिसिपेशन है इन डिफरेंट फील्ड्स इट ऑल्सो स्टार्टेड एक्सपैंडिंग.
ठीक है कि पहले गवर्नमेंट का क्या रोल होता था बहुत पुराने ज़माने में. द गवर्नमेंट इट यूज़ टू प्रोवाइड सिक्योरिटी टू द पीपल एंड इन रिटर्न इट यूज़ टू चार्ज टैक्सेस. इट वॉज़ द मेजर फंक्शन. और उसके अलावा उनको इरिगेशन प्रोवाइड कराना या फिर उनके सामान को बेचना, उनको मार्केट्स प्रोवाइड कराना, ये इतना काम था. पर जैसे जैसे हमारी सोसाइटी डेवलप करती गई वैसे वैसे डिफरेंट फंक्शंस भी आते गए. मशीन्स आ गई, कंपनीज आ गई, और डिफेंस का जो एक रोल था, जो डिफेंस की एक डेफिनेशन थी, वो भी पूरी तरीके से बदल गई. और आपका कम्युनिकेशन शुरू हो गया, आपका ट्रांसपोर्ट शुरू हो गया, पेट्रोल एंड रिफाइनरीज शुरू हो गए, डिफरेंट डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आ गए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ आ गई. तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हेल्थ सर्विसेज ऑल्सो, ठीक है, हेल्थ सर्विसेज है, एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे कंट्री में ऐड होते चले गए. तो जैसे जैसे कि ये फंक्शंस ऐड होते चले गए वैसे वैसे जो गवर्नमेंट का रोल भी था इन फंक्शंस में वो काफ़ी हद तक बदलता चला गया. एंड इट बिकेम मोर ऑफ द कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड. कि पहले जिस गवर्नमेंट का काम जो है वो थोड़ा बहुत था, अब उसका काम जो है, उसके जो पब्लिक फंक्शंस हैं, वो और ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे. इसलिए देर वॉज अ नीड ऑफ द बेटर मैनेजमेंट ऑफ द पब्लिक अफेयर्स थ्रू द साइंटिफिक स्टडीज एनालिसिस एंड द ट्रेनिंग. ठीक है, सो इट वॉज मच नीडेड एट दैट टाइम पब्लिक अफेयर्स के बेटर मैनेजमेंट के लिए थ्रू द साइंटिफिक स्टडीज, उसके एनालिसिस के लिए, और जो वर्कफोर्स थी उसको ट्रेन करने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वॉज मच नीडेड एट दैट टाइम. फिर आता है कि हाउ इट ऑल स्टार्टेड. सो इट ऑल स्टार्टेड विद द इनिशिएटिव ऑफ द वुड्रो विल्सन. तो वुड्रो विल्सन ही वॉज अ वेस्टर्न थिंकर एंड ही केम आउट विद एन एसे इन 1887 विच वॉज नेम्ड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. तो उन्होंने अपना एक एसे लिखा 1887 में विच वॉज नेम्ड साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. और इस साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने अपने कुछ इनपुट्स दिए. तो उनका ये जो कहना था, जो उनका ये जो एसे था, इट वॉज कंसिडर्ड टू बी द सिम्बॉलिक बिगिनिंग ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, एंड उन्होंने एक बहुत ही उनका जो फेमस कॉमेंट है वो यहाँ पर लिखा हुआ है. इट इज़ रिटन दैट देयर शुड बी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन विच शैल सीक टू स्ट्रेटन द पार्ट्स ऑफ गवर्नमेंट टू मेक इट्स बिजनेस लेस अनबिजनेस लाइक टू स्ट्रेंथन एंड प्यूरिफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन एंड टू क्राउन इट्स ड्यूटीज विद द ड्यूटीफुलनेस. कहने का मतलब ये है कि वहाँ पर सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होना चाहिए बट देयर शुड बी साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. And when he talked about the science of administration, he meant by the disciplined study of the administration, jiski wajah se jo jo actions hote hain government ke, it should be simplified and it should be very clear. Theek hai? To make its business less unbusiness-like. Iska jo business hai, government ka, theek hai? Isko unbusiness-like isliye banana hai, kyunki jis tarike se business work karta hai, jis tarike se uske proper functions hote hain, usme control hota hai, उसमें एफिशिएंसी होती है, तो वो सारी चीज़ें हमें भी अपनी गवर्नमेंट में लेकर के आनी है. फिर है टू स्ट्रेंथन एंड प्यूरीफाई इट्स ऑर्गेनाइजेशन. कि ऑर्गेनाइजेशन को हमें और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना है, उसको बूस्ट करना है, और उसको प्यूरीफाई करने का मतलब है कि वहाँ से करप्शन हटाना है. एंड टू क्राउन इट्स ड्यूटीज़ विद अ ड्यूटीफुलनेस. और जो ड्यूटी है गवर्नमेंट की, जो उस ऑर्गेनाइजेशन की जो ड्यूटी है, उसको ये एहसास दिलाना है कि दे आर बाउंड बाय देयर ड्यूटी, दे आर ड्यूटीफुल टू परफॉर्म देयर ड्यूटी. राइट, मतलब दे कैन नॉट टेक इट इन अ वेरी लाइट मैनर कि अगर हम अपना काम करेंगे, हम अपनी ड्यूटी फुलफिल करते हैं तब भी ठीक है, एंड इफ यू आर नॉट गोइंग टू प्रोवाइड पीपल द पब्लिक गुड देन ऑल्सो इट्स गोइंग टू बी गुड, विच इज़ नॉट, इट्स नॉट गोइंग टू वर्क. राइट, बिकॉज इट इज़ द मेन फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द पब्लिक गुड, टू प्रोवाइड द पब्लिक सर्विसेज. सो दे हैव टू बी वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट, वेरी मच साइंटिफिकली कंसर्न्ड अबाउट इट, एंड दे शुड नो हाउ टू वर्क इट प्रॉपरली, एफिशियंटली. Okay, so the Woodrow Wilson and his theory, his study, he came out with four major points. The pehla tha inka ki his advocacy for the science of administration. Second one was the distinguishing the administration from the politics. Third one was the favor for the private administration. And the fourth one was the early initiative for the comparative public administration. So when we talk about the first one, his advocacy for the science of administration. So as I earlier told you about you, what is the science of administration? So science of administration should be taken as nothing, but it means a systematic and a disciplined body of knowledge. ठीक है,
कि अगर हम सिर्फ उसको ये नहीं सोचे कि ये हमारा काम है, हमें अपने इस काम को इस तरीके से करना है, rather it should be taken as a proper body of knowledge कि ठीक है ये हमारे पर्टिकुलर पॉइंट्स हैं, ये हमारे स्टेप्स हैं और हमको अकॉर्डिंगली इसी को फॉलो करना है टू मीट आवर टारगेट्स. ओके, फिर है डिस्टिंग्विशिंग द एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द पॉलिटिक्स. तो एज पर द बुड्रो विल्सन्स पॉइंट, ही वाज सेइंग कि हमें पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से अलग रखना चाहिए, कि जो पॉलिटिक्स होती है, जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स होते हैं, उनके कभी कभी बहुत ही डिफरेंट एजेंडाज होते हैं, राइट. जैसे कि हम अपनी कंट्री में भी देखते हैं कि जब भी इलेक्शन आने वाले होते हैं, सो वो बहुत सारे प्रोमिसेस करते हैं कि हम किसानों का कर्ज माफ़ कर देंगे और हम 24 घंटे आपको बिजली देंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे. कुछ जो उनके वादे होते हैं दे आर फुलफिल्ड ऑल्सो, वो अपने वादे जो है वो फुलफिल करते हैं, बट समटाइम्स दे मेक सम ऑफ द फॉल्स प्रोमिसेस और समटाइम्स दे मेक द प्रोमिसेस विच इज़ नॉट टेक्निकली वाइबल और फाइनेंशियली वाइबल. कि अगर वो अपना प्रोमिस कर तो देते हैं, बट अगर उस प्रोमिस को रियलाइज़ करने के चक्कर में जो फाइनेंशियल बर्डन स्टेट पर आता है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है. ठीक है, तो उनका ये कहना है कि जो हम एडमिनिस्ट्रेशन में हैं, ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग रखना चाहिए. कि एडमिनिस्ट्रेशन का काम ये है कि हमको अपना काम अपना करना है, अपने विभाग का अपने फंक्शंस हमको प्रॉपर करने. कि मान लीजिए कि जो हमारा हेल्थ डिपार्टमेंट है, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का काम ये है कि हमें ये देखना है कि हमारे जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो प्रॉपर वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, वहाँ के जो डॉक्टर्स हैं वो टाइमली अपने इंस्टीट्यूट में अपने हॉस्पिटल में पहुँचते हैं कि नहीं पहुँचते हैं, जो पेशेंट्स को जितनी भी चीज़ें सप्लाई होनी चाहिए, जो बेड हैं, जो मेडिसिन हैं, जो इंजेक्शन हैं उनको टाइमली प्रोवाइड होनी चाहिए, वो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, जो फाइनेंसिस यहाँ से हेल्थ डिपार्टमेंट से वहाँ तक जा रहे हैं वो प्रॉपरली फ्लो है कि नहीं है, ठीक है, और वहाँ का जो मैनेजमेंट है, वहाँ की जो साफ़ सफाई जिस तरीके से रहनी चाहिए वो है कि नहीं है, जितने भी फंक्शंस वहाँ के हो रहे हैं वो लॉ अबाइडिंग है या नहीं है. ठीक है, दे आर सर्टन लॉज व्हेन इट कम्स टू द मेडिकल फील्ड. कि बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि अगर किसी ने बेबी कंसीव किया है तो उससे पहले हम उसका सेक्स एस्टिमेशन नहीं करा सकते हैं, या फिर जब किसी का जन्म होता है तो बर्थ सर्टिफिकेट बनना चाहिए, कोई डेथ होती है तो वहाँ पर डेथ सर्टिफिकेट बनना चाहिए, और वहाँ पे कोई माल फंक्शनिंग तो नहीं हो रही है, जैसे कि कोई पेशेंट आया है तो उसकी किडनी का बेचना एंड ऑल दैट, तो वो सब भी है कि एवरीथिंग इज़ लॉ अबाइडिंग और नॉट. तो ये सारे के सारे फंक्शंस होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, तो इसको हमें पॉलिटिक्स से मिला करके नहीं देखना चाहिए और पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, कहने का मतलब वुड्रो विल्सन का ये था. ठीक है, थर्डली ये है कि ही वॉज वेरी मच इन फेवर फॉर द प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरीके से काम करता है, एज आई अर्लियर टोल्ड यू कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन इट बेसिकली वर्क्स फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन. कि हम किस तरीके से काम करें कि हमारा प्रॉफिट मैक्सिमम हो और हमारे इनपुट्स कम से कम लगे, जैसे कि हमारा इन्वेस्टमेंट कम लगे और हमारा प्रॉफिट ज़्यादा हो. मोस्टली जितनी भी हमारी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो इसी बेसिस पे काम करती हैं. ठीक है, इसीलिए आपने देखा भी होगा कि वो डिफरेंट डिफरेंट डिस्काउंट मॉडल्स और सेल के साथ आते हैं, कभी कभी बहुत ही अट्रैक्टिव ऑफर्स के साथ भी आते हैं, क्योंकि उनको अपनी अच्छी सेल करनी होती है और जितनी अच्छी सेल होगी उतना ही अच्छा उनका प्रॉफिट मार्जिन होगा. ठीक है, तो प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में ये सारी चीज़ें तो होती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट टू रियलाइज देयर गोल्स, जो कि उनका गोल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, वो बहुत ही ज़्यादा सिस्टमैटिक होते हैं अपने काम में. ठीक है, उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो बहुत ही सिस्टमैटिकली डिज़ाइंड होती है, जो काम आता है, जो कंट्रोल होती है, जो चेन ऑफ कमांड है इट इज़ वेरी क्लियर. प्लस उनके जो वर्कर्स होते हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती है, देयर इज़ एफिशिएंसी. किसी भी तरीके के काम में अगर डिस्क्रिपेंसी होती है तो उसको बर्दाश्त नहीं किया जाता है. ठीक है, एंड पीपल आर ऑल्सो रिक्रूटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टैलेंट, ऑन द बेसिस ऑफ देयर नॉलेज एसेट्रा, एंड हाउ मच आउटपुट आर दे गिविंग, उनका प्रॉपर इवेल्युएशन भी किया जाता है और उसी के बेसिस पे उनका प्रमोशन होता है. तो ये सारी जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन के, ये सारे वुड्रो विल्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करते थे. तो इसीलिए वो कहते थे कि अगर हम ये सारे के सारे फीचर्स जो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, अगर हम उसको अपने गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में इम्बाइब कर लेंगे, तो हमारा जो आउटपुट है वो भी उतना ही अच्छा होगा जिस तरीके से उनका होता है, और जो फंक्शनिंग होगी वो उतनी ही प्रॉपर और स्मूथ होगी जैसे कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन में होता है. सो दैट्स वाई ही वॉज मोर फोकसिंग और दैट्स वाई ही वॉज फेवरिंग दी प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन. चौथा पॉइंट था अर्ली इनिशिएटिव फॉर द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. नाउ द कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो कंपेयर वर्ड से हम क्या समझते हैं? कंपेयर का मतलब होता है दो चीज़ों को आपस में कंपेयर करना. ठीक है,
और जब कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आ जाता है तो क्या होता है, यानी कि एक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को दूसरे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से कंपेयर करना कि ये हमारी कंट्री है। से फॉर सपोज जैसे कि हमारे इंडिया का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, वो इस तरीके से वर्क करता है। फिर हम देखते हैं कि श्रीलंका है, श्रीलंका इज़ अनदर कंट्री, और उनका जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो दूसरे तरीके से वर्क करता है, और उनका जो आउटपुट है, उनकी जो एफिशिएंसी है, वो हमारी एफिशिएंसी से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। उनके जो रिजल्ट्स हैं वो बेटर हैं हमारे रिजल्ट से, इनपुट भी उनके कम होते हैं। तो फिर ऐसे में हम क्या करते हैं, हम उनके पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल को, उसको थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, और फिर हम उसे अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के मॉडल से कंपेयर करते हैं कि क्या वजहें हैं कि उनका मॉडल हमारे मॉडल से अच्छा है, या फिर वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं, वो कौन कौन सी जगह हैं जहाँ पर वो हमसे बेटर हैं। तो जहाँ पे वो हमसे बेटर होते हैं, उन चीज़ों को, उन पॉइंट्स को अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इम्बाइब करना, उसको ले करके आना, और एक ब्रॉडर विजन के साथ देखना, ठीक है, थ्रू द लेंस ऑफ द अक्यूमेंट, थ्रू द लेंस ऑफ द इंटेलिजेंस। इफ़ यू आर बोरोइंग समथिंग, इफ़ यू आर बोरोइंग सम गुड इनपुट्स, गुड थिंग्स फ्रॉम द अदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनाइजेशन, दैन इट कैन बी फ्रूटफुल फॉर योर कंपनी एज वेल, फॉर योर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। ठीक है, तो यहाँ पे इन चार चीज़ों की बात हुई कि किस तरीके से हमें एडमिनिस्ट्रेशन को एज अ साइंस लेके चलना चाहिए, एज अ डिसिप्लिन स्टडी, ठीक है। फिर है कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिटिक्स से थोड़ा सा अलग रखना चाहिए, हालांकि विच इज़ कम्प्लीटली, मतलब पूरी तरीके से पॉलिटिक्स को एडमिनिस्ट्रेशन से हटा पाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इट इज़ अ काइंड ऑफ अ ब्रांच ऑफ पॉलिटिक्स। फिर है कि तीसरा है कि प्राइवेट एडमिनिस्ट्रेशन को वो इसलिए फेवर करते थे क्योंकि उनकी एफिशिएंसी वगैरह ज़्यादा अच्छी है, और चौथा ये है कि अगर किसी और का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ पॉइंट्स हैं जो बेटर है, तो हमें अपने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को उससे कंपेयर करना चाहिए, एंड इफ़ वी सी सम गुड फीचर्स इन दैट पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, देन वी शुड इनवाइब इन आवर्स। ओके, तो ये मोटा मोटा ये था कि वुड्रो विल्सन का हमारा क्या इनपुट रहा है, क्या सिग्निफिकेंस है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आई थिंक कि अगर अब आपके पास एक क्वेश्चन आता है कि इफ़ यू राइट सर्टेन पॉइंट्स और द सिग्निफिकेंस ऑफ वुड्रो विल्सन इन द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सो यू कैन एटलीस्ट राइट सम पॉइंट्स, ठीक है। जैसे कि ये था कि उनका एसे है, उन्होंने साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखा, जिसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, और उनके ये मेजर चार पॉइंट्स थे, और उसको अच्छे से एक्सप्लेन करके आप विद इन आई थिंक 250 वर्ड्स अ गुड आंसर कैन बी रिटन, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिर आता है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन। तो अगर हम बात करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन को, सो व्हाट वी मीन अबाउट इट, तो इट डिफाइंस द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, कि किस तरीके से जो हमारी गवर्नमेंट एक्टिविटीज़ हैं उनका जो परफॉर्मेंस है उसको वो डिफाइन करता है, ठीक है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ स्पेशलाइज्ड एकेडमिक फील्ड, इट डील्स एसेंशियली विद द परफॉर्मेंस ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज़, ओके। And administration has been defined as a cooperative human effort towards achieving some common goals. तो अगर हम बात करते हैं कि what is administration in totality, तो हम ये कहेंगे कि वो cooperative human effort है हमारा, किस लिए, to achieve some common human goals, ठीक है। फिर आता है हमारा कि what it can be said, इट कैन बी सेड दैट इज़ द एक्शनेबल पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि हमने पहले भी इसके ऊपर बात की थी कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को हम कैसे देखते हैं, इट इज़ द एक्शन पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द गवर्नमेंट, ओके। और ये आपको कहीं पर भी मिल जाएगा कि व्हाट इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, जैसे कि आप हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, बिजनेसेस हैं, ये सब जगह जिस तरीके से रन होता है, दीज आर ऑल पार्ट ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इफ़ दे आर गवर्न बाय द गवर्नमेंट, ओके। फिर अगर हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की, तो फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज़ डिसीजन मेकिंग, ठीक है, उसमें हमारा डिसीजन मेकिंग आता है, हाउ द थिंग्स आर प्लान्ड, किस तरीके से चीज़ों को प्लान किया जाता है, हाउ द वर्क शुड बी डन, फॉर्मुलेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स एंड द गोल्स, फिर वर्किंग विद द लेजिस्लेचर एंड सिटीजन्स ऑर्गेनाइजेशंस, डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, स्टैब्लिशिंग एंड रिवाइजिंग ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, डिटरमाइनिंग वर्क मेथड्स एंड प्रोसीजर्स, अप्रेजिंग द परफॉर्मेंस, एक्सरसाइजिंग कंट्रोल एंड एसेट्रा एसेट्रा, जो फंक्शंस हैं दे आर परफॉर्म बाय द गवर्नमेंट एजेंसीज। सो इन टोटैलिटी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन की हम बात कर दें कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो हम कहेंगे इट इज़ डिसीजन मेकिंग, इट इज़ फॉर्मुलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गोल्स, इट इज़ वर्किंग विद द लेजिस्लेचर, इट इज़ डायरेक्टिंग एंड सुपरवाइजिंग एम्प्लॉयज, इट इज़ प्रोवाइडिंग लीडरशिप, इट इज़ प्रोवाइडिंग, इट इज़ डिटरमाइनिंग द वर्क मेथड्स एंड द प्रोसीजर्स, इट इज़ कम्युनिकेशन,
इट इंक्लूड्स परफॉर्मेंस अप्रेजल एसेट्रा एसेट्रा. और ये सारे पॉइंट्स जो है ये भी हम एक एक करके अभी जब हमारे क्लासिकल थिंकर्स वगैरह आएंगे इनको भी हम पढ़ेंगे. और ये सब हमारे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इंक्लूड होते हैं एज अ सब्जेक्ट एंड वी आर सपोज टू रीड देम ऑल्सो. जो आप आगे भी पढ़ेंगे धीरे धीरे हमारा कोर्स जैसे जैसे आगे बढ़ेगा और आप अलग अलग चीज़ों को पढ़ेंगे कि हाँ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ये भी है ये भी है, तो आपके लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर आंसर लिखना या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को और समझना और जब आप आंसर राइटिंग कर रहे हो तो उसमें कौन कौन से पॉइंट्स को इंक्लूड करना है आपके लिए और ज़्यादा ईजी हो जाएगा. अभी आप मोटा मोटा उसे समझने की कोशिश कीजिए. ओके, सो हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज अ फील्ड ऑफ स्टडी, तो व्हाट डज इट इंक्लूड्स. तो इट इंक्लूड्स द स्ट्रक्चर ऑफ द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, कि एक पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, वो फ्लैट है कि वर्टिकल है, किस तरीके से काम करता है, कि वहाँ पे सिर्फ एक हेड है और बाकी सारे वर्कर्स हैं, कि एक प्रॉपर चेन ऑफ कमांड है वहाँ पे, जैसे कि सीईओ होता है, सीईओ के नीचे जनरल मैनेजर आता है, जनरल मैनेजर के आगे तुम्हारा दूसरा मैनेजर आता है, फिर एरिया मैनेजर्स आते हैं, फिर फील्ड वर्कर्स आते हैं, फिर नॉर्मल वर्कर्स आते हैं. इस तरीके से आपका एक पिरामिड बना हुआ है, एक चेन ऑफ वर्कर्स है या फिर एक फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसके बारे में बात करते हैं. फिर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस क्या क्या होते हैं, जैसे कि हमने अभी बात की थी कि व्हाट इज़ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ कम्युनिकेशन, प्रोवाइडिंग लीडरशिप, इट इज़ कंट्रोल एंड डिसीजन मेकिंग. ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस में आते हैं, ठीक है. एंड एज आई टोल्ड यू अगेन कि कम्युनिकेशन है, कंट्रोल है, लीडरशिप है, डिसीजन मेकिंग है, इन अलग अलग हेडिंग्स को भी अलग अलग टॉपिक्स की तरह हम पढ़ेंगे बिकॉज वो भी हमारे सिलेबस में है. फिर है ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, दैट हाउ द ब्यूरोक्रेसी इज़ बिहेविंग और द हाउ द ब्यूरोक्रेसी इज़ फंक्शनिंग. तो जहाँ पे जो ब्यूरोक्रेसी होती है इट इज़ वेरी वेल फंक्शन, तो उसका हमें जो फाइनल रिजल्ट है वो अपने आप दिखाई देता है बिकॉज देन द थिंग्स आर वर्किंग, दे आर फंक्शनिंग वेरी स्मूथली एंड इन अ वेरी एफिशिएंट मैनर, ठीक है. तो हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी ज़्यादा एक्टिव है या फिर हमारी ब्यूरोक्रेसी कितनी ज़्यादा प्योर है, ऑनेस्ट है इन टर्म्स ऑफ देयर वर्किंग, उसका हमारी गवर्नमेंट पे, उसके फंक्शंस पे और उसकी वर्किंग पे सीधा सीधा असर पड़ता है. जैसे कि हमको खुद ही पता है कि अगर हमारे सिटी में कोई बहुत अच्छा आईएएस ऑफिसर आता है और वो हर चीज़ के ऊपर ध्यान दे रहा है कि बाकी के जितने भी एजेंसीज हैं गवर्नमेंट की इन अ डिस्ट्रिक्ट जिन्हें प्रॉपर काम करना चाहिए कि नहीं, कि हेल्थ डिपार्टमेंट है, पीडीएस सिस्टम है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और एजुकेशन डिपार्टमेंट है, ये सारा का सारा ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो जब एक अच्छा ब्यूरोक्रेट आता है वो अपने जो लीडरशिप है वो लेता है और सारे सारे फंक्शंस को देखता है कि वो प्रॉपरली वर्क हो रहे कि नहीं हो रहे, तो ऑब्वियसली उसका जो काम है, उसका जो बिहेवियर है वो हमारे लिए फ्रूटफुल साबित होता है बिकॉज उसकी वजह से जो काम है वो बहुत अच्छी तरीके से हो जाते हैं. फिर आते हैं ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, कि ऑर्गेनाइजेशन में और उसके एनवायरनमेंट में जो इंटरैक्शंस हैं वो कैसे हैं, वेदर इज़ इट पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव, वो अच्छे से फंक्शन कर रहा है या नहीं कर रहा है. कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में हैं तो उसका जो एनवायरनमेंट है वो सिर्फ बाहर के एनवायरनमेंट से मतलब नहीं होता है कि बाहर का एनवायरनमेंट कैसा है, कि मौसम कैसा है, बारिश हो रही है कि नहीं, धूप निकली कि नहीं, नहीं उस एनवायरनमेंट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे वर्किंग एनवायरनमेंट की बात हो रही है. तो वर्किंग एनवायरनमेंट का मतलब है कि जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में जो रिलेशनशिप है वो कैसा है, कि जब कम्युनिकेशन होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, हायर स्टाफ से लोअर स्टाफ में, तो वो कैसा है, कि जब आपका कोई चेन ऑफ कमांड आता है ऊपर से नीचे, ठीक है, तो वहाँ पे उस तरीके से कैसे वर्क करता है, कि जो हमारा ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है वो सूदिंग है, वो फ्रूटफुल है या नहीं है, वहाँ पे पीसफुल है कि नहीं है. ऐसा तो नहीं है कि लोगों में बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स होती है या फिर जो वर्कर्स हैं वो बिल्कुल भी काम नहीं करना चाह रहे हैं, वो लेज़ी हैं, वो सिर्फ बैठे हुए हैं ताकि उन्हें उतने घंटे का जो है उनका काम मिल जाए, मतलब उनका पैसा मिल जाए, और वहाँ पे काम एफिशिएंटली नहीं हो रहा है. कुछ हो सकता है कि मशीनरी हो जो प्रॉपर काम नहीं कर रही हो और उस मशीनरी के प्रॉपर काम ना करने की वजह से भी आपका जो आउटपुट है वो इफ़ेक्ट हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें ओवरऑल हमारा इंक्लूड करती हैं एनवायरनमेंट को, ठीक है. तो ये हो गया हमारा ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट का इंटरैक्शंस क्या क्या है. तो जब हम बात करते हैं कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज ए फील्ड ऑफ स्टडी, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, उसमें हमारा स्ट्रक्चर ऑफ पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेसेस, ब्यूरोक्रेटिक बिहेवियर, ऑर्गेनाइजेशन एनवायरनमेंट इंटरैक्शंस, ये सब कुछ इंक्लूड होता है. नाउ वी टॉक अबाउट द लास्ट टॉपिक व्हिच इज द पॉलिटिक्स एंड एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी. तो अगर हम बात करते हैं पॉलिटिक्स क्या है, वो तो सबको पता है कि पॉलिटिक्स किस तरीके से आते हैं, जो हमारे नेता लोग हैं
उनका इलेक्शन होना, उनका अपनी पोस्ट में आना, उनका मिनिस्टर बनना, और फिर उनके हाथ में बहुत सारा पावर भी होता है, चार्ज होता है, दे आर द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट. जिस तरीके से वो लोगों के लिए काम करते हैं, ऐसा कहा जाता है कि वो लोगों के लिए काम करते हैं बिकॉज दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल. फिर एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन में आपका पूरा का पूरा फंक्शन है, आपका ऑफिस है, आपका स्टाफ है, जिस तरीके से वो काम हो रहा है. फिर आता है आपका वो डाइकॉटमी. तो डाइकॉटमी का मतलब होता है दो चीज़ों का अलग अलग होना, विच इज़ कॉल्ड डाइकॉटमस. यानी कि जब एक चीज़ के दो टुकड़े कर दिए जाते हैं तो उसको भी हम डाइकॉटमी कहते हैं. एक एप्पल है, आपने उसको बीच से आधा आधा काट दिया, तो आपने उसको क्या कर दिया, आपने उसको डाइकॉटमस कर दिया. ओके, तो यहाँ पे है कि पॉलिटिक्स एक तरफ हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन एक तरफ हो गया, दोनों को अलग अलग कर दो. कि डिस्टिंक्शन बिटवीन द पॉलिटिकल एक्टिविटी एंड द एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी इन द पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस. कि जितनी भी हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जितना भी पब्लिक गुड का काम करती हैं गवर्नमेंट में, उसमें जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है उसको पूरा अलग अलग रखना चाहिए. क्योंकि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो जो पॉलिटिकल डिसीजन मेकर्स हैं उनकी जो थिंकिंग है या फिर उनकी जो फंक्शनिंग है उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए. या फिर जो पॉलिटिकल माहौल है, जो पॉलिटिकल इन्वायरमेंट चल रहा है किसी स्टेट में या कंट्री में, तो उसको तो उसकी वजह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है वो इफेक्ट नहीं होनी चाहिए, वो इन्फ्लुएंस नहीं होनी चाहिए. वो फ्री फ्लो में वैसे ही वर्क करनी चाहिए जैसे कि अलग टाइम पे वो करती, राइट. लाइक कि अगर एक ऑफिस है, उस ऑफिस का काम है लोगों को एजुकेशन डिपार्टमेंट की हम चलिए बात करते हैं, ठीक है. कि जैसे कि एजुकेशन डिपार्टमेंट है, तो हमारा ये जो हमारा एजुकेशन डिपार्टमेंट है इसका काम है कि हमें ये देखना है कि सारे टीचर्स टाइम पे पहुंच रहे हैं अपने स्कूल में कि नहीं पहुंच रहे हैं, जो किताबें यूनिफॉर्म स्कूल में पहुंचनी चाहिए वो कि नहीं पहुंच रही हैं, कि टीचर्स अच्छे से पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं. फिर जो टीचर्स का जो सिलेक्शन हो रहा है उनका जो सिलेक्शन है वो मेरिट बेसिस पे है कि नहीं, वेदर दे आर मेरिटोरियस पीपल टू टीच स्टूडेंट्स और नॉट, ठीक है. इन सारी चीज़ों को देखना. बट ऑन दी अदर हैंड अगर कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी आ जाती है, पॉलिटिकल डिसीजन मेकर ये कहता है कि जितने भी आठवीं पास लोग होंगे उनको खाली एक एग्ज़ाम देना है, उसको हम जो है टीचर बना देंगे, ठीक है. सेफ और सपोज ऐसा होता नहीं है, कभी होगा भी नहीं, अगर हम ऐसा कर देंगे तो उनके उस पॉलिटिकल डिसीजन की वजह से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएगा, वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट हो जाएगा. तो इसकी वजह से हम ये कहेंगे कि मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है और जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है उसको बहुत ही अलग अलग रखना चाहिए. लेकिन इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है, ठीक है, कि इट कैन नॉट बी कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम द पॉलिटिक्स, बिकॉज जो हमारे ये एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शनिंग है वो कहीं ना कहीं उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है, बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है, एंड इट इज़ अ पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल फंक्शनिंग. तो उसको पूरी तरीके से तो अलग नहीं किया जा सकता है, लेकिन हाँ उसके इन्फ्लुएंसेस से बचा करके उसको ज़रूर रखा जा सकता है, ताकि उनके जो इन्फ्लुएंसेस हैं वो हमारी प्रॉपर फंक्शनिंग को, नॉर्मल डे टू डे वर्किंग को उसको इफेक्ट ना करें. और इसी वजह से जो वुड्रो विल्सन हैं उन्होंने ये बात कही थी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी की, ठीक है. तो उनको कई सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया था. उन्होंने कहा था कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इट इज़ द पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल थिंकर्स. कि जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है हमारा इट इज़ नथिंग बट द गवर्नमेंट फंक्शनिंग. जैसे कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में पढ़ा था इट इज़ द पब्लिक सर्विंग एक्टिविटी जो कि हमारी गवर्नमेंट करती है. तो जब हमारी गवर्नमेंट कर रही है एंड गवर्नमेंट इज़ रूल्ड बाय द पॉलिटिशियंस, तो ऑब्वियसली वहाँ पर पॉलिटिक्स है. तो पॉलिटिक्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को हम कम्प्लीटली सेपरेट नहीं कर सकते, उसको टोटल अलग अलग करना वो एक वायबल एक फीजिबल ऑप्शन नहीं है, ठीक है. तो इस बात पे उनका क्रिटिसिज्म भी हुआ था, क्रिटिसाइज भी किया गया था. बट अगर एक हेल्दी इन्वायरमेंट की बात की जाए, एक हेल्दी ऑप्टिमम सॉल्यूशन की बात की जाए, तो उसमें यही कहा जाएगा कि पॉलिटिक्स को और एडमिनिस्ट्रेशन को जितना हो सके और जहाँ तक हो सके उसको अलग अलग रखने की कोशिश करनी चाहिए, ठीक है. तो इसके साथ ही हमारा ये जो टॉपिक है ये आज फिनिश होता है, पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी भी. तो आज हम लोगों ने तीन टॉपिक्स को डिस्कस किया और ये था हमारा, हाँ, नेचर मीनिंग एंड स्कोप ऑफ द पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज अ डिसिप्लिन क्या होता है, और पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन की डाइकोटमी. और जितना हो सकता था मैंने यही कोशिश की है कि हम आप लोगों को हिंदी में समझाने की कोशिश करें, धीरे धीरे समझाने की कोशिश करें. एग्जाम्पल्स भी मैंने काफ़ी सारे दिए हैं, पर इसके अलावा भी अगर आप कुछ चेंजेस चाहते हैं ऐसा कुछ भी है, सो ऑल काइंड ऑफ इनपुट्स दे आर ऑलवेज वेलकम. सो टेल मी इफ़ यू लाइक इट एंड टेल मी इफ़ यू नीड एनी फर्दर चेंजेस और समथिंग, ठीक है. तो कल हम लोग एक और वीडियो के साथ आएंगे एंड लेट्स डिस्कस फर्दर. सो अभी के लिए बाय.